एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, 2006 या 7 की होगी। मैं एक हॉस्पिटल में काम करता था, चेल्सी वेस्टमिनिस्टर हॉस्पिटल। लड़का आया रात के वक्त, 27 28 साल का रहा होगा, और बहुत पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि, कैम्ब्रिज उसने टॉप किया था, बहुत अच्छी जगह से था, दिखने में भी काफ़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी थी उसकी। और पिता उसके लंदन के सबसे रिच लोगों में से एक थे, जो वहाँ की 3 सबसे टॉप स्काई स्क्रैपर से उसमें से एक को ओन करते थे। बड़ा रिच बैकग्राउंड था। और लड़का जब तक 26 27 का हुआ, उसको कोकेन लेने की आदत पड़ गई। तो क्या है, कोकेन लेता था। अब कोकेन लेने में क्या होता है कि एक आदत पड़ जाती है, एक बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। लिलीपुट से शब्द आया है, गुलिवर एंड लिलीपुट कहानी सुनी होगी आपने, कि छोटे छोटे इंसान दिखाई पड़ते हैं नहीं, पर उसको दिखाई पड़ते हैं कि मेरे शरीर पर छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे इंसान चल रहे हैं। तो वो क्या करता था कि इंसुलिन की सिरिंज लेके उन आदमियों को निकालने की कोशिश करता था जो थे नहीं, इमेजिनरी फिगर्स, दे वर नॉट देयर, उनको निकालने की कोशिश करता था। तो जिस रात को हमने देखा, 27 छेद पूरे शरीर में थे कोकेन लेने के कारण, और बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति थी। 3 महीने लगे उसको ठीक करने में, जैसे तैसे ठीक हुआ। पर एक दिन जब उससे बातचीत चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि बेटा तू क्रोध किस चीज़ का है तेरे मन में भाई, क्रोध किस चीज़ का है, वाई आर यू सो एंग्री। तो बोला मैं अपने पिता से बड़ा क्रोधित हूँ। तो मैंने पूछा क्यों, बोले आप एक सामान्य व्यक्ति की कल्पना करो, 18 साल का होता है तो एक एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहा है, एजुकेशन मिल गई तो जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, जॉब मिल गई तो फैमिली के लिए ट्राई कर रहा है, ऐसा आदमी ट्राई करता है घर बन जाए सब। बोले मैं 12 साल का था, मुझे फरारी मिल गई, 14 साल का हुआ तो हेलीकॉप्टर मिल गया, 16 18 साल का हुआ तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। कभी अपने को प्रूव करने का अवसर नहीं मिला, ऊपर जाने का कोई अवसर नहीं था, नीचे गिरने के पर्याप्त थे। तो मैंने कहा देखो भाई, तुम्हारे पिता इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उनका इंटेंशन कभी ये नहीं था कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो, उनने तो अपनी ओर से अच्छा ही करने की सोची। पर यदि आपको लगता भी है कि आपके पिता रिस्पॉन्सिबल हैं, तो जिंदगी किसकी है? जिंदगी भर तो आप अपने पिता को ब्लेम करते हुए नहीं गुजारोगे ना, कुछ तो अपनी जिंदगी के लिए करोगे। तो उसके बाद फिर वो दिखा नहीं। 3 4 साल के बाद उसने साउथ अफ्रीका से एक पत्र लिखा और कहा कि साहब आपने जो बात कही तो बड़ा दिल में गहरे छुप गई, और मैं पूरे विश्व की यात्रा पर निकल गया। बोले विश्व की यात्रा पर निकला, भारत पहुंचा, भारत में बस्तर एक जगह है हमारे यहाँ शांति कुंज में, बहुत सारे भाई लोग बहन लोग वहाँ से हैं, छोटा सा स्थान है। वहाँ पहुंचा, वहाँ पहुंचा तो उसने देखा एक किसान है साहब, किसान जो है पसीने से लथपथ है, कपड़े भी पहनने को नहीं, 4 4 बच्चे हैं, और फैमिली मिलके अच्छे से इंजॉय कर रही है, खाना खा रही है, छोटी मोटी जो उनके पास चीज़ थी वो खा रही थी, गाना गा रही थी। उनने इसको भी बुला लिया, बोले तू भी खाना खा ले। तो वो जो आदमी था बड़ा बैठ गया, उसको लगा कि साहब मैं खाना खाने के लिए। उसने कहा कि इनसे पूछो, अपने इंटरप्रेटर से कहा, किसान से पूछो कि इतना खुश क्यों है, इसको पास कुछ तो है नहीं, पैसा है नहीं, क्यों खुश है। तो उसने उससे पूछा पूछा तो किसान ने जवाब दिया, उसने कहा कि साहब इनसे किसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। बोले मेरे पास परिवार है। और उसने प्रश्न बात सुनी, बोला मैंने तुरंत अगली फ्लाइट लंदन की पकड़ी, लंदन पहुंचा, और पहुंच करके सबसे पहले अपने पिता को गले लगाया। बोले हम दोनों फूट फूट करके 4 घंटे रोए। आदमी के अंदर इतना भाव भरा हुआ है, हमको पता नहीं चल पाता, हम लोग को लगता ही नहीं, हम कभी पूछ ही नहीं पाते। हम छोटे छोटे होते हैं, अपने माता पिता से जिद कर देते हैं कि साहब आप एंड्रॉयड लेके आओ, कभी ये नहीं पूछते कि साहब आपकी छोटी सी जॉब है लाओगे कैसे। हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा के लिए दूसरे को तड़पना पड़ता है। कई कई बार हम अपने बच्चों से आशाएं कर बैठते हैं, पर हमें नहीं पता होता बच्चा इस आशा को पूरा कैसे करेगा। और मैं कहूं कि एक बार हम लोग अपने परिवार में तो संवेदना शुरू करके देखें, पूछ करके देखें किसी का कष्ट क्या है, दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। दूर करने के लिए हम सब कुछ नहीं कर सकते, पर भावनाएं तो दे सकते हैं।